आज का वचन है गलतियों 6:7। प्रेज द लॉर्ड। गलतियों 6:7 का क्या कहता है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार हम लोग साथ बोले, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पीछे बोलेंगे आप, आज का वचन, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। हालेलुया। तो ये आज का वचन है, हम इस वचन पर मनन करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पौलुस ने इस वचन के द्वारा हमें 3 आज्ञाएं दी हैं, हमें 3 आज्ञाएं दी हैं। पहली आज्ञा क्या है? धोखा मत खाओ। पहली आज्ञा क्या है? धोखा ना खाओ। दूसरी आज्ञा क्या है? कि परमेश्वर को ठट्टों में ना उड़ाओ। और तीसरी आज्ञा क्या है? कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो आज हम इन तीन आज्ञाओं को अच्छी तरीके से समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा और उसने हमारी बुद्धि खोली। उसने बताया कि परमेश्वर कौन है, शैतान कौन है। प्रेज द लॉर्ड। हम शैतान को भी जान गए हैं, हम परमेश्वर को भी जान गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम जान गए हैं कि 10 आज्ञाएं क्या हैं, हम जान गए हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम जान गए हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत काल का जीवन रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में चिंतित है, इसलिए पौलुस लिखता है धोखा ना खाओ। अब इस धोखे के बारे में हम जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, धोखा ना खाओ। किससे धोखा ना खाओ? शैतान से, उसको तो आप जान गए। पाप से, उसको भी आप जान गए, जो आपके अंदर से निकल गया है। अब आप पवित्र हो गए, अब आप उन आज्ञाओं को समझते हैं, जानते हैं, उस पर चलते हैं, इसलिए आप धोखा नहीं खा सकते। तो क्यों लिखा है पौलुस ने धोखा ना खाओ? किससे धोखा ना खाओ? खुद से। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। खुद से धोखा मत खाओ। हम मसीह हैं, हम चर्च आते हैं, बाइबल जानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम धोखा नहीं देते, हम व्यभिचार नहीं करते हैं, हमने किसी की हत्या नहीं की, हमने माँ बाप की सेवा की है, हम पड़ोसी का आदर करते हैं, नमन करते हैं, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे लिए, जो हमें दुख देता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन वचन कहता है धोखा मत खाओ। आपको पता है हम कहां धोखा खाते हैं? जब हम मसीह बनते हैं, जब हम मसीहत हमारे अंदर आती है, जब हम मसीहत को अपनाते हैं, तो हम जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, झूठ क्या है और सच क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम समझ जाते हैं, हम जान जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इन सारी बातों को हम समझने लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब जब जैसे ही मसीह बनते हैं, हम दूसरों में देखते हैं, अपने भाई में, अपनी बहन में, अपने पड़ोसी में। हो सकता है वो मसीह है, वो भी आपके चर्च में आता है, वो भी आपकी कलीसिया में आता है, लेकिन आप उसे देखते हैं कि नहीं नहीं उसके अंदर अभी नम्रता नहीं है, वो अभी भी झूठ बोलता है, वो अभी भी धोखा देता है, उसके अंदर अभी भी लालच है, उसके अंदर अभी भी स्वार्थ है, उसके अंदर गंदी भावना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम उसको देखते हैं और दोष लगाने की कोशिश करते हैं, हम समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है धोखा मत खाओ। हम यहां पर धोखा खा रहे हैं क्योंकि हम दुनिया को पहचानने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद ही को नहीं जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम खुद ही को नहीं पहचानते, हम खुद के नेचर को, खुद के विचारों को, खुद के व्यवहार को हम चेंज नहीं कर पाते। हम यीशु में आ जाते, परिवर्तित हो जाते, बपतिस्मा ले लेते, लेकिन हमारे विचार वही पुराने रहते हैं, हमारी सोच वही पुरानी रहती है, हम बदल नहीं पाते अपनी सोच को। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारी सोच बदली होगी और हमारा भाई धोखा देगा, हमारी बहन झूठ बोलेगी, हमारा कोई भाई व्यभिचार करेगा और हमने अपने आप को जाना है, हम में दीनता है, तो हम उस पर दोष नहीं लगाएंगे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि मेरी बहन गलत रास्ते पर जा रही है, मेरा भाई गलत रास्ते पर जा रहा है, प्रभु दया कर,
इनको सही मार्ग पर लेकर आ, इनको सही दिशा दे। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमने खुद को पहचान लिया है, अगर हमने खुद को जान लिया कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ, तो अगर वो भाई भटक रहा है, हम उसके करीब जाएंगे कि मेरा भाई भटके नहीं। जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान की कीमत दी और यीशु मसीह को और उस बच्चे को उठाकर वो स्वर्ग से नरक से लेकर स्वर्ग में आया और वो फिर नरक में जा रहा है, हम उसके पीछे रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना करेंगे, घुटने टेकेंगे कि मेरी भाई, मेरी बहन, मेरा पासवान कहीं गलत ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम उससे दूर नहीं जाएंगे। हम दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उसमें दोष ढूंढते हैं, हम खुद को देखते ही नहीं। तो यहां पर धोखा ना खाओ अपने आप से। ये जो पूरा वचन है, मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगा, उदाहरण जो कि बाइबल से ही लिए हैं, हालेलुया, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ लें। पतरस और उसके चेले, यीशु मसीह के चेले नाव पर जा रहे थे। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, आओ हम सब उस पार चले। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आपको सबको पता है वो कहानी कि यीशु मसीह सो गया। कितने चेले वहां पर थे? 12 चेले थे। प्रेज द लॉर्ड। 12 के 12 चेले उस नाव में थे। 12 के 12 चेले कौन थे? मछुआरे थे। उनका जीवन ही पानी में गुजरा था, वो पानी में ही रहते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जानते थे अपने आप को कि नहीं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम चुने गए हैं, हमने संसार छोड़ दिया है, हम सिर्फ प्रभु के रास्ते में हैं, हमने अपना संसार छोड़ दिया है, यीशु को अपना लिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो जानते थे, यीशु सो रहा था, आंधी आई, तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। प्रेज द लॉर्ड। और उनके मन में मौत का डर आया। प्रेज द लॉर्ड। वो डर गए उस आंधी से, उस डर गए उस तूफान से। प्रेज द लॉर्ड। उसने यीशु मसीह को जगाया, हे गुरु, हे यीशु, उठ, हम नाश हुए जाते हैं, हम मरे जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उठकर क्या किया? उस आंधी को डांटा, वो शांत हुई और उनसे कहा कि कहां है तुम्हारा विश्वास? अरे तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम मेरे चेले हो लेकिन तुम्हारा विश्वास कहां है? प्रेज द लॉर्ड। वो चेले धोखे में थे, वो धोखे में अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे, कि वो समझ रहे थे कि उनके पास विश्वास है लेकिन नहीं था। क्योंकि जब समय आता है मेरे भाई मेरी बहन, तब हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। यूसुफ के पास समय आया था जब वो पोती पर के घर में था और पोती पर की वाइफ ने उसे बुलाया कि मेरे संग लेट, संभोग कर मेरे संग, व्यभिचार कर। प्रेज द लॉर्ड। वो आजमाइश की खड़ी थी लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर को ऊंचा उठाया, उसकी व्यवस्था को ऊंचा उठाया, पवित्रता को ऊंचा उठाया और वहां से चला गया। चाहे यूसुफ को जेल हो गई लेकिन उसने विश्व व्यभिचार के सामने घुटने नहीं टेके, शैतान के सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि यूसुफ अपने आप को जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। ये जो चेले थे ये धोखे में थे। हम कई बार अपने आप को धोखे में समझते हैं, हम लीडर बन जाते हैं, हम 10 साल 20 साल 5 साल आते हैं, पूरी बाइबल हमको पता है, लेकिन जब आजमाइश की घड़ी आती है हम डगमगा जाते हैं, जरा सी बुराई होती है हम डगमगा जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यही हाल चेलों का था, वो धोखे में थे, उनको लगता था कि नहीं, हम संपूर्ण हैं, हम तो यीशु मसीह के भक्त हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हम देखते हैं अंधों को, हम देखते हैं भैरों को, यीशु मसीह चंगाई देता है, लेकिन उनका विश्वास ही उनके साथ नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम कलीसिया आते हैं मेरी बहन, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं मेरी बहन, और हमारे अंदर अगर विश्वास ही नहीं है, अगर मेरे अंदर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक विश्वास है जो हमें बांध के रखता है। कोई भी रिश्ता इस धरती पर या स्वर्ग का रिश्ता, कोई भी रिश्ता बिना विश्वास के मुकम्मल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास, पति पत्नी का विश्वास, माँ बेटे का विश्वास, बाप बेटी का विश्वास, पड़ोसी का विश्वास, एक विश्वास ही है जो हमें बांध कर रखता है, विश्वास वो परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने कहा तेरा विश्वास कहां है? तू अपने आप को मेरा चेला समझता है लेकिन तेरे पास विश्वास ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लुका 22:23 में जब यीशु मसीह गतसमनी में थे, पतरस फिर धोखे में था। एक बार पतरस फिर धोखे में था, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे लेके जाएंगे और मैं मर जाऊंगा और 3 दिन के बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा। पतरस ने कहा नहीं प्रभु,
मैं आपको मरने नहीं दूंगा, चाहे कोई आपको छोड़ दे या कुछ भी कर दे, लेकिन मैं आपके लिए जेल जाऊंगा, मैं आपके लिए मरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या कहा? आज रात जब तक मुर्गा बांग नहीं देगा तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस कहता नहीं, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि पतरस खुद को जानता ही नहीं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें यीशु को जानने से पहले खुद को जानना है, हमें दूसरों को जानने से पहले खुद को जानना है कि हम कितने बड़े मसीह हैं, हमारे में यीशु है कि नहीं है, मेरे अंदर क्रूस है कि नहीं है। इसलिए रोमन 7:15 में क्या लिखता है, वचन देखिए आप, हमें खुद को जानना है मेरे भाई, कि हम कहीं धोखे की जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमने यीशु मसीह को पा लिया है, हम समझ रहे हैं कि हमने यीशु मसीह को, हमारे पास बाइबल है, घर में बाइबल भी है, हम प्रार्थना भी करते हैं, हमें 10 गाने भी याद हैं, हमें वचन भी याद हैं, लेकिन क्या मैं यीशु मसीह में हूं? क्या मेरे अंदर प्रभु है? क्या मैं वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूं? अगर मैं वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हूं, अगर मैं अपना काम वचन के अनुसार कर रहा हूं, तो मैं प्रभु में हूं। मेरा जो व्यवहार है वो बदला है कि नहीं बदला है? अपने आप को जांचिए, जो मैं पहले था और जब मैं आज यीशु मसीह में हूं, मेरा व्यवहार क्या है? क्या वही तो नहीं है? यीशु मसीह कौन था? राजाओं का राजा। प्रेज द लॉर्ड। कहां से आया था वो? स्वर्ग से। आवाज बात का जवाब दीजिए, कहां से आया था वो? स्वर्ग से। हालेलुया। स्वर्ग में कौन था? राजा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्ग में वो हुक्म देता होगा, इधर जाओ, ये काम करो, वो काम करो, हवाओं को रोको। हालेलुया। हुक्म देता होगा सबको। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आ गया, उसका व्यवहार बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा नहीं, मैं दीन हूं, मैंने कुछ नहीं किया, ये चंगाई तूने ली है मेरी बहन, तूने विश्वास किया और तू चंगी हो गई, मैंने क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे जमीन पर आया, उसका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था, उसका नेचर बिल्कुल बदला हुआ था, वो शून्य हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अपने चेलों के पैर धोने लगा। स्वर्ग में आज्ञा देता था, धरती पर आकर सेवक बन गया वो। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर के मनुष्यत्व को पूरी तरीके से शून्य कर दिया था, अपनी भलाई को निकाल दिया था। प्रेज द लॉर्ड। हम जब यीशु मसीह में आते हैं, हमारा नेचर क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि आपका नेचर जो पहले था वही होता है, अभी भी डोमिनेटिंग, अभी भी अहम, अभी भी गुस्सा, अभी भी घृणा, अभी भी नफरत। नहीं, इसका मतलब आप बाहरी तौर से यीशु को जानते हैं, अंदर से आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं। जिस दिन आप अंदरूनी यीशु मसीह को, जिस दिन आप यीशु मसीह के साथ जिएंगे ना मेरी बहन, उस दिन वाकई कोई कितना भी आपको दोष लगाए, आप उसे माफी करेंगे, आप उसे प्यारी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन आपके अंदर यीशु होगा। जरा सा भय, जरा सा पाप आपको कंपा देगा कि नहीं नहीं, मुझे ये पाप नहीं करना है, ये पैसा मेरा नहीं है, ये चीज मेरी नहीं है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, कहीं ये पैसा मैं अपने पास रखूंगा और कहीं मैं प्रभु से दूर ना हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने आप को जानना है, खुद को हमें जानना है, इसलिए बाइबल कहती है धोखा ना खाओ। लेकिन यहां पर क्या कहता है वो? जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस यहां कहता है कि मैं रोता हूं, मैं जो नहीं चाहता वो करता हूं, मैं जानता हूं ये चीज गलत है लेकिन करता हूं, अच्छी चीज मैं जानता हूं ये काम अच्छा है मुझे करना चाहिए लेकिन नहीं करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक पौलुस, मुझे लगता है जैसे उसने फिलिपियों 2:5 में क्या लिखा है कि आपका स्वभाव यीशु जैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है फिलिपियों 2:5 में? कि आपका स्वभाव यीशु जैसा होना चाहिए।
मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने पौलुस को चुना और पौलुस के द्वारा हमारा उसके वचन हम तक पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन लिखने से पहले पौलुस का स्वभाव यीशु मसीह जैसा था, तभी वो ये वचन लिख पाया, तभी वो ये बोल पाया। हम दुनिया से कहते हैं पाप मत करो, हम दुनिया से कहते हैं झूठ मत बोलो, हम दुनिया से कहते हैं घृणा मत करो, हम दुनिया से कहते हैं नफरत ना करो। क्या हमारे अंदर वो भावना है? क्या मेरे अंदर वो चीज है? पौलुस के अंदर वो चीज थी कि जैसा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। पौलुस जो कि शाऊल था, जो लोगों को मारता था, जो मसीह को चाहते थे उनको मारता था, पुलिस में भर्ती करा देता था, पिटवाता था उन्हें, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की वाणी उसने सुनी, जैसे ही यीशु मसीह ने उसे चुना, पूरी तरीके से उसका स्वभाव बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। उसको लोग हथकड़ी लगा रहे और वह धन्यवाद बोल रहा है। वो हथकड़ी लगाता था, हालेलुया। तब उसने यीशु मसीह को पाया और तब यीशु मसीह ने उसे आशीष दिया और उसने 14 किताबें लिखी। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने चुना है, लेकिन हमें अपने आप को बताना है, हमें धोखा नहीं खाना। हम धोखे में चर्च आते हैं, हम धोखे में प्रार्थना कर रहे हैं, हम धोखे में कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम नियम को नहीं जान रहे हैं, हम समय को नहीं जान रहे हैं, हम समय की इंपॉर्टेंस को नहीं जान रहे हैं, हम परमेश्वर की बुलाहट को नहीं जान रहे हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए आशीष को नहीं समझ रहे हैं। हम प्रभु हैं, हम मसीह हैं, यानी कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाइबल कहती है धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। शमूएल जिसको परमेश्वर ने चुना था, हन्ना की कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। अगर पहला शमूएल 1:5 हम देखेंगे, हन्ना की कोख को बंद कर दिया था परमेश्वर ने और शमूएल को हन्ना ने परमेश्वर का दास होने के लिए उसके मंदिर में रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो मंदिर में उसकी सेवा कर रहा था, परमेश्वर ने बुलाया शमूएल। उसे समझा कि मुझे किसने बुलाया। वो गया वहां के याजक के पास, एली के पास, कि एली तूने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। जाके सो गया। फिर परमेश्वर ने आवाज दी, शमूएल। फिर वो एली के पास गया। प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर, कि आपने मुझे बुलाया तो नहीं? एली ने कहा मुझे नहीं, मैंने नहीं बुलाया। फिर तीसरी बार वो एली के पास गया। एली समझ गया कि परमेश्वर इससे बात करना चाहते हैं, वो परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शमूएल धोखे में था, उसको नहीं पता था कि परमेश्वर बात भी करता है। उसको नहीं बताया गया था कि परमेश्वर बात करता है। एली ने कहा कि शमूएल, परमेश्वर बात करता है, अब जब वो बोलेगा उसको बोलना प्रभु मैं यहां हूं। और बाइबल बताती है कि शमूएल के द्वारा इज़राइल का आशीष मिला, इज़राइल का उद्धार हुआ। जो शमूएल बोलता था वही होता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हन्ना ने उसे नहीं बताया दूध पी लेते हुए, हालेलुया। हन्ना ने उसे नहीं बताया जब वो दूध पी रहा था अपनी मां का, तो हन्ना ने नहीं बताया कि हे यहोवा तो है, परमेश्वर है, तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन हन्ना बताना भूल गई कि वो बात भी करता है। हम धोखे में अपनी जिंदगी को ना गुजारें मेरी बहन। अगर हम धोखे में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो हम कोई भी आशीष नहीं पा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी आशीष नहीं पा पाएंगे हम। इसलिए बाइबल कहती है, वचन कहता है, धोखा ना खाओ खुद से, धोखा मत खाओ। अपने आप को जांचो, अपना जो नेचर है उसको निकालो। गलत भावनाएं जो हैं, गलत विचार जो हैं, गलत जो गुस्सा है, घृणा है, अहम है, ईगो है, निकालो। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको मंदिर बनाया है, आप उसके मंदिर हैं। और अगर आपके मंदिर में कहीं भी अहम, घृणा, स्वार्थ होगा तो परमेश्वर वहां नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को पहला स्थान दीजिए और खुद के लिए, खुद को धोखे में मत रखो। दूसरी आज्ञा यह है कि परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता।
यानी कि परमेश्वर को हंसी में नहीं उड़ाया जाता। प्रेज द लॉर्ड। हम जीवन में कई बार ऐसा देखते हैं, हमने बाइबल में ही पढ़ा है, आज मैं आपको कुछ उदाहरण के साथ बताऊंगा कि कैसे कैसे लोगों ने, परमेश्वर के नबियों ने, परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया और उनके साथ क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की वाणी अद्भुत है, परमेश्वर की वाणी अद्वितीय है, परमेश्वर की वाणी पवित्र है। इसलिए बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन नहीं टलेगा। जो परमेश्वर के मुख से वचन निकला है वो पूरा होगा ही। प्रेज द लॉर्ड। यशाया 55:11 क्या कहता है, जिस तरीके से बारिश आकाश से जब गिरती है तो वो भूमि को सींच कर ही लौटती है, इसी तरीके से परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन जब वो निकलता है तो वो अपना काम पूरा करके ही वापस लौटता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति 25:21-24 के बीच में हम देखेंगे यहां पर रिबका और इसाक। देखिए परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रॉमिसिंग बेटा दिया प्रतिज्ञा के द्वारा कि ये बेटा तेरा होगा और इसका नाम इसाक रखना। हालेलुया। इसाक की जब रिबका से शादी हुई तो इसाक 40 साल का था, वो माँ नहीं बन पा रही थी, वो बांझ थी। प्रेज द लॉर्ड। वो रोई, उसने प्रभु से प्रार्थना की कि मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। इसाक ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी कोख खोली और उसके जुड़वा बच्चे हुए। प्रेज द लॉर्ड। रिबका पूरे इतिहास में पहली औरत है जिसके जुड़वा बच्चे हुए थे। जुड़वा बच्चे जिसके हुए थे वो रिबका थी। हालेलुया। ये अलग चैप्टर है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 25 का, अगर हम पढ़ेंगे 21-24 के बीच में। देखिए परमेश्वर ने रिबका के प्रार्थना का आंसर दिया और उसे बताया कि वो क्या चाहता है। सुनिए, ईसा की पत्नी वांछ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनंती की और यहोवा ने उसकी विनंती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे के मारने लगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके गर्भ में जो दो बच्चे थे वो लड़ रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। उसे नहीं पता था आज तक कि जुड़वा बच्चे भी होते हैं। वो परमेश्वर के पास गई, रोने लगी कि परमेश्वर अगर इस तरह ये लड़ते रहेंगे तो मर जाऊंगी, मैं कैसे जीऊं। परमेश्वर क्या कहते हैं सुनो। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। प्रेज द लॉर्ड। तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। तब यहोवा ने उससे कहा कि तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। ये किसको बताया? हेलो, ये किसको बताया? यानी कि इसाक को भी पता है। प्रेज द लॉर्ड। इसाक उसका पति है, यानी कि इसाक और रिबका को उसने बताया कि तेरे गर्भ में दो जातियां पल रही हैं। तुझे जो बच्चे तू जन्म देने वाली है कोई मामूली नहीं है, वो दो जातियां, उनके द्वारा दो जातियां उत्पन्न होंगी। आगे, और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे। और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे। हालेलुया। दो राज्य बनेंगे तेरे बच्चों के द्वारा, जो तू जिनको तू जन्म देने वाली है उनको कौन है, यानी कि भविष्यवाणी कर रहा है परमेश्वर। यहां भविष्यवाणी कर रहा है कि तेरे राज्य, तेरे अंदर से जो निकलने वाले दो बच्चे हैं वो दो जातियां बनाएंगे और दो राज्य बनाएंगे। आगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे। और आगे, और बड़ा बेटा छोटे से अधीन होगा। और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी उसने रिबका को बताई कि जो तेरा बड़ा बेटा होगा वो छोटे के अधीन होगा। प्रेज द लॉर्ड। रिबका जानती थी परमेश्वर को, इसाक जानता था परमेश्वर को कि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो कभी झूठ नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर उसने कहा है कि छोटा बड़ा छोटे के अधीन होगा, बड़ा छोटा का गुलाम होगा, तो होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर देखिए परमेश्वर के मुख से निकले वो वचन को रिबका और इसाक ने कोई अहमियत नहीं दी। जब इसाक बूढ़ा हुआ उसने अपने बेटे एसाव को, उसके दो बेटे हुए याकूब और एसाव। प्रेज द लॉर्ड। जब वो बेटे बड़े हुए, हम इस परिवार में अगर देखें तो हमें एक खामी दिखती है। इसाक और रिबका के परिवार में उन्होंने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से नहीं किया, उन्होंने पक्षपात रखा। इसाक एसाव को मानता था, प्यार करता था, और रिबका याकूब को प्यार करती थी। प्रेज द लॉर्ड। जिस घर में पक्षपात होता है मेरे भाई मेरी बहन, दो बच्चों के बीच में, वो उस घर में अच्छा नहीं होता है। दोनों बच्चे एक हैं। कभी कभी होता है कि हम
एक माँ को पसंद है, एक बाप को पसंद है, नहीं, दोनों ही बच्चे माँ बाप के हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इस परिवार को देखेंगे तो इस परिवार में पाएंगे कि उन्होंने ऐसाब को कहा, इसाक ने कहा ऐसाब जाकर, क्योंकि वो शिकारी था, जाकर एक बकरा लेकर आ और मेरे लिए तैयार कर, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की माँ ने, रिबिका ने ये सुना और रिबिका चाहती थी कि वो आशीष मेरे छोटे बेटे को मिले। हालेलुया। याकूब छोटा था और ऐसाब कौन था? बड़ा था। लेकिन वो भूल गई कि परमेश्वर ये भविष्यवाणी कर चुके हैं, तेरे छोटे बेटे को परमेश्वर ने आशीष दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया। प्रेज द लॉर्ड। अपने इकलौते बेटे को, अपने प्यारे बेटे को, याकूब को उसने सजा संवार कर, ऐसाब का उसने ड्रेस पहनाया, एक बकरे को उसने बलि किया, उसकी खाल को उसने लगाया, क्योंकि ऐसाब के जो चेहरे पर, उसके जो हाथों में काफ़ी बाल थे, उस बालों के लिए उसने पूरा याकूब को ऐसाब बनाया, ताकि वो आशीषें जो पिता देने वाला है वो ऐसाब को ना मिले, किसको मिले? याकूब को मिले। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने परमेश्वर की बात को हंसी में उड़ाया, परमेश्वर की बात को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने अपनी बुद्धि पर काम किया, उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार काम किया। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप कहानी पढ़ेंगे, अगर आप पता चलेगा कि ऐसाब जाता है, इस ये याकूब जब अपने लिए आपको दुल्हन लेने के लिए जाता है तो उसे आशीष नहीं मिलता है, वो 20 साल के लिए वहाँ पर रह जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उस कहानी को हम दोबारा देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भाई भाई का दुश्मन बन गया। ऐसा आप कहता है कि मैं इसको मार दूंगा, जैसे मेरा पिता मर जाएगा मैं याकूब को मार दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको दे रहा है, जब परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अनंत जीवन तेरा है, हालेलुया, अनंत जीवन तेरा, तू मेरी राह पर चल, तू मेरे वचनों पर चल, तू मेरी आज्ञा पर चल, हमें जो परमेश्वर कहता है उस पे चलना है। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम इंतजार नहीं करते, हमारे अंदर धैर्य नहीं होता, हमारे अंदर धीरता नहीं होती है, और हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और परमेश्वर की आशीषें हमसे दूर हो जाती हैं। परमेश्वर ने कहा है, प्रेज द लॉर्ड, भजन संहिता 40:1, कि मैं धैर्य के संग प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर ने झुककर मेरे लिए मेरी प्रार्थना को सुना। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है प्रार्थना में? कि मैं धैर्य से, दाऊद क्या कहता, कि मैं धैर्य से धीरज के साथ परमेश्वर की राह देखता रहा। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा आशीष दिया है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमसे कहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, मैंने तुम्हें चुना हुआ है, तुम चुने हुए हो, तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, तुम पापों से मुक्त हो चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने पूरी तरीके से तैयार किया है, हमारे अंगों को, हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमारे मन को नया किया, अपनी आत्मा हम में उड़ेली है, ताकि हम शुद्धता के साथ रहें। इतना पाने के बाद भी हम परमेश्वर की बात को अहमियत नहीं देते हैं और हम संसार में अपना जीवन बिताते हैं, हम संसार को अपना समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम संसार पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दी थी कि तू प्रतिज्ञा का देश तेरा होगा, प्रतिज्ञा का वंश तेरा होगा, तुझे तुझसे ही बेटा होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। हालेलुया। इब्राहिम को परमेश्वर बोल चुका था, प्रॉमिस कर चुका था कि तेरे बच्चा होगा, उसका नाम इसहाक रखना, तेरे ही कोख से होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इब्राहिम परमेश्वर की इस बात को, उस प्रॉमिस को भूल गया। जैसे सारा ने उससे कहा कि ये मेरी हाजरा है, मेरी दासी हाजरा है, तो उसके पास जा और बच्चा पैदा कर। इब्राहिम हाजरा के पास गया और इश्माइल पैदा हुआ। अगर उत्पत्ति 16 में हम देखेंगे तो 86 वर्ष में इब्राहिम ने इश्माइल को जन्म दिया, जो कि परमेश्वर की योजना नहीं थी। लेकिन अगर आप 17वें अध्याय में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 99 साल तक, यानी कि 13 साल तक परमेश्वर ने इब्राहिम से बात नहीं की। 13 साल तक परमेश्वर ने इब्राहिम से बात नहीं की, और जब बात की तो उसने लहू की वाचा बांधी, खतने की वाचा बांधी, और उसने बताया कि मैं जो कहता हूं मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझ पर एतवार कर, जो मैं कहता हूं उस पर चल, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। हमें परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाना है, हमें परमेश्वर ने जो कहा है, आशीष दिए, उस पर चलना है। शिमशोन एक नबी हुआ करता था, शिमशोन एक नबी था न्यायों की किताब में, परमेश्वर ने उसको चुना। अगर हम देखेंगे न्यायों की किताब 13:1 से देखेंगे तो पता लगेगा हमको, न्यायों की किताब 13:1-5, शिमशोन था। उस समय इसराइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध काफी घिनौना काम किया था, इसलिए परमेश्वर ने इसराइलियों को पलिश्तियों के अंडर कर दिया था, पलिश्तियों का गुलाम बना दिया था। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हालेलुया, समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं एक हिस्ट्री, एक इतिहास, और बाइबल के उन वचनों से आपको अवगत कराना चाहता हूं, और परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर का जो अटल वचन है, उसको बताना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो न्यायों की किताब में अगर आप देखेंगे तो इसराइलियों के विरुद्ध परमेश्वर ने काम किया और पलिश्तियों के अंडर 40 साल तक इसराइलियों कर दिया, लेकिन जब उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी तो उसको तरस आया। प्रेज द लॉर्ड। आगे, इसराइल ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। आमीन। आगे, दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के वांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ बोलो, क्या? कोई पुत्र न था। मनो, क्या नाम था उसका? मनोह का, वहां पर इसराइल में रहता था मनोह नाम का एक आदमी, उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी बीवी बांझ थी, उसकी बीवी को स्वर्गदूत ने दर्शन दिए और बताया कि मैं तेरी कोख से एक नबी को पैदा करूंगा, तेरी कोख से मैं एक नबी को पैदा करूंगा जो जन्म से ही तेरी कोख के अंदर ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होगा, तू उसके बाल कभी मैं कटने देना, उसके बालों में ही सामर्थ होगा, उसके बालों में शक्ति होगी, तू उसके बालों को कभी कटने मत देना और ना ही वो कभी जिंदगी में दाख मधु या मदरा पिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर ने आशीष दिया, ये परमेश्वर ने एक उसे ऐलान दिया, आज्ञा दी। प्रेज द लॉर्ड। और उसके जीवन में बच्चा आया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाइबल कहती है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि शिमशोन जब बड़ा हुआ, उसने कई कारनामे किए। अगर बाइबल पढ़ेंगे, न्यायों की किताब पढ़ेंगे 13:14-15-16, आपको पता चलेगा कि उसने शेर की एक हड्डी से हजार लोगों को मार दिया। वो इतना ताकतवर था और पलिश्ती लोग घबराते थे। जैसे वो शिमशोन गुजरता था, पलिश्ती लोग घबराते थे कि हम इनको कैसे जीतेंगे, एक ही इजरायली बहुत है हमारे लिए, ये एक ही हड्डी से हजारों लाखों लोगों को मार देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें कितनी ताकत है। तो पलिश्तियों ने उसकी ताकत को तोड़ना चाहा। शिमशोन जो कि एक नबी था, लेकिन उसकी कमजोरी औरत थी। वो एक वेश्या के पास गया, जिसका नाम दलीला था, उसके पास गया और उसके पास रहने लगा। पलिश्तियों ने दलीला को लालच दिया कि तू अगर इससे पूछ सकती है और हमें बता सकती है कि इसकी कमजोरी क्या है, तो हम तुझे पैसों से मालामाल कर देंगे। दलीला ने शिमशोन को वरगलाया, बहकलाया, फुसलाया, उसे पूछा कि बता कौन सी ऐसी ताकत है तेरे अंदर जिससे तू ये करता है। प्रेज द लॉर्ड। शिमशोन बार बार बहाने बनाता रहा, कुछ ना कुछ अलग बोलता रहा, और वो लोग भटकते रहे। अंत में शिमशोन दलीला के प्यार में फंस गया, परमेश्वर के आशीष को भूल गया, उसके वचन को भूल गया, उसकी भविष्यवाणी को भूल गया, और उसने बताया कि मेरा सामर्थ मेरे बालों में है, अगर कोई मेरे बालों को उस तरह चला देगा तो मेरा सामर्थ निकल जाएगा। दलीला ने यह बात पलिश्तियों को बताई कि शिमशोन का सामर्थ कहां था? उसके बालों में था, और अगर तुम जैसे ही उसके बाल काटोगे तो उसका सामर्थ निकल जाएगा। और पलिश्तियों ने उसे घेर लिया। रात को सोते समय दलीला ने ही उसके सिर पर उस तरह फेर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर है, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने हमको चुना है उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। परमेश्वर अगर हमें कुछ सामर्थ देता है ना, तो ताकि उसका राज्य बढ़े। हम उस सामर्थ को अपने अय्याशी के लिए यूज ना करें। आज परमेश्वर ने मुझे चंगाई का सामर्थ दिया है, इसलिए चंगाई का सामर्थ मैं यूज करूं और लोगों से पैसे अटूं, पाप है, पाप है।
परमेश्वर का सामर्थ्य जो मुझे परमेश्वर ने दिया है वो मुझे परमेश्वर की सेवा के लिए ही उपयोग में लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है, मुझे परमेश्वर का राज्य बढ़ाना है। शिमशोन उस वेश्या के अधिकार में आ गया, उस पाप में पड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या कहती है वचन? प्रेज़ द लॉर्ड। न्यायियों 16:17 को पढ़िए, 19 और 20 को पढ़िए, 19 और 20 को, 16:19-20 न्यायियों की किताब, जजेस। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवा कर उसके सिर की 7 लट्टे मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। 20वां। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा, तो वह न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। कब घात में? कब बोली दलीला? जब उसके सिर को उसने उसरा फेर दिया। अब दलीला के पास पैसा आ गया था, फलिस्तियों ने पैसा दे दिया था, सिक्के दे दिए थे, चांदी के, सोने के, उसने उसरा फेर दिया था। उसने क्या कहा कि फलिस्ती तेरी घात में है। जब भी पहले होता था तो फलिस्ती भागते थे और मारता था, लेकिन इस बार क्या हुआ? तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की तरह बाहर जाकर भटकूंगा। वो ना तो जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, यहोवा ने उसे छोड़ दिया है, यहोवा नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें यह देखना है कि परमेश्वर मेरे पास है कि नहीं है। अगर यीशु मेरे पास है तो मुझे दुनिया की हर दौलत मेरे पास है। अगर यीशु मेरे पास है तो मुझे जमीन का, संसार का हर सुख मेरे पास है। और अगर यीशु नहीं है, बाइबल कहती है, अगर मैंने संसार को पा लिया और आत्मा को खो दिया तो क्या पाया? अगर मैं अपनी आत्मा को खो चुका हूं और मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 गाड़ियां हैं, 10 महल हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, प्रभु मेरे साथ है। Yes, Lord. शिमशोन उसी कीमत को नहीं समझा और उसने आत्महत्या की। Praise the Lord. हमें प्रभु की कीमत को समझना है। हम जब चर्च आए तो हम जाने चर्च की अहमियत क्या है, हम जब वचन सुने तो हम ये समझे कि वचन की अहमियत क्या है। जिस दिन हम उसकी अहमियत को समझना शुरू कर देंगे उस दिन हम आशीष पाएंगे। मैं आपको 50 बार बोल चुका हूं, अगर आपको वचन समझ नहीं आते मुझे बताइए, मैं स्पेशली आपको बताऊंगा, एक एक वचन आपको सिखाऊंगा, लेकिन सीखने का मन आपका होना चाहिए। अगर आपका मन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गेहजी एक एलिसा का सेवक हुआ है। गेहजी एलिसा का सेवक हुआ है। हालेलुया। अगर दूसरा राजा 5 में हम देखेंगे तो नामान कोड़ी, जो कि सीरिया का सेनापति था, उसने जब सुना कि उसके शरीर में कोढ़ था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाना चाहिए। शिमशोन ने परमेश्वर को हंसी में उड़ाया और अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। गेहजी जो कि एलिसा का चेला था, एलिसा जो परमेश्वर का चुना हुआ नबी था, नामान कोड़ी उसके पास आया और उससे कहा कि मैं सीरिया से आया हूं और सेनापति हूं और तेरे लिए पोशाक लाया हूं, तेरे लिए धन दौलत लाया हूं, सोना चांदी लाया हूं, आ और मुझे चंगा कर। एलिसा बाहर नहीं आया। एलिसा ने अपने चेले को भेज दिया और उससे कहा कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा तो चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नामान कोड़ी नाराज हो गया, वो सेनापति था, बलशाली था। उसने कहा, अरे क्या मेरे सीरिया में नदियां नहीं है? मैं वहां पर नहीं नहा सकता हूं? मैं क्या वहां डुबकी नहीं लगा सकता हूं? यरदन नदी में लगाऊं? उसके एक सेवक ने कहा कि प्रभु, अगर ये आपको कोई कठिन काम करने को कहें तो आप मत करिए, आसान सा काम है। आप अगर यहां पर यरदन नदी में 7 डुबकी लगा लेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नामान कोड़ी ने उसकी बात मानी और 7 डुबकी लगाई। जैसी 7वीं डुबकी लगा के बाहर आया तो उसका कोढ़ खत्म हो गया था। उसका कोढ़ खत्म हो गया और उसका त्वचा बिल्कुल बच्चे की सी हो गई।
उसका कोड़ी खत्म नहीं हुआ, उसका मन का परिवर्तन हो गया। वो घमंड, वो अहम, वो घृणा, वो नफरत, सब कुछ उसके अंदर से चला गया, वो एक बच्चे की तरह हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर आप सुनिए, वो गेहजी वो आया एलिशा के पास और उसने कहा कि एलिशा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा किया है, ये सारे दक्षिणा ले, ये पैसे तू ले रख। एलिशा ने कहा मुझे परमेश्वर ने मना किया, मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, आप परमेश्वर का आशीष पाइए और परमेश्वर के बारे में बताइए दुनिया को। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर गेहजी ने क्या किया, उसका चेला, उसने एलिशा से नजर चुराकर नामान नबी के पीछे पीछे गया। हेलो, ये होता है कई बार, जो चेले हैं, जो लीडर्स हैं, वो समझते हैं कि पास्टर तो आशीष ले नहीं रहा है, हम क्यों ना आशीष ले लें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर जानता है आपको कब आशीष देनी है और किससे आशीष देनी है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो वो आशीष बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। गेहजी ने समझा कि नहीं, अरे इसने तो यार सोना चांदी छोड़ दिया, पैसे छोड़ दिए, एलिशा तो बेवकूफ है, मैं बेवकूफी नहीं करूंगा। वो भाग के गया नामान कोड़ी के पीछे और उसने कहा, नामान कोड़ी, उसने कहा क्या हुआ, एलिशा ने तुझे भेजा है? कहते नहीं, मुझे एलिशा ने नहीं भेजा, लेकिन हाँ मुझे एलिशा ने ही भेजा है। वो झूठ बोला उसने कि मुझे कुछ दक्षिणा चाहिए, मुझे कुछ ब्लेसिंग चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। उसने उठाकर दे दिया, उसे सोना दे दिया, चांदी दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो तो देने के लिए आया ही था। लेकिन ये सब आत्मा में एलिशा सुन रहा था, आत्मा में देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। जब वो गेहजी वापस आया एलिशा के पास और उसने कहा कि, एलिशा ने पूछा कहां था तू, कहां गया था? उसने कहा नहीं, मैं अपने घर गया हुआ था। हालेलुया। उसने कहा तूने परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाया है, नामान का सारा कोड़ तेरे ऊपर आ गया। उसी समय गेहजी पर नामान का पूरा कोड़ आ गया। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित होते हैं, हमारे मन में कतई लालच नहीं आना चाहिए, कतई भी हमारे अंदर एक पैसे का भी लालच ना हो कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना से लोग चंगे हो रहे हैं, मुझे प्रार्थना का सिला मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। नहीं, मेरे पास, आप लोग जानते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से रात भर फोन आते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी से एक पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। कहां कहां से मुझे फोन आते हैं, हाँ कोई अपने आप मुझे देता है ब्लेसिंग के रूप में तो मैं लेता हूं, लेकिन मैं डिमांड नहीं करता हूं कि मुझे चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के, कौन कर रहा है काम? परमेश्वर। मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। धन्यवाद कि परमेश्वर हमें यूज कर रहा है। धन्यवाद कि परमेश्वर मेरे द्वारा किसी को आशीष दे रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना यही है कि मेरे द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, मेरे नाम को परमेश्वर याद कर रहा है, मेरे नाम को उसने अपनी हथेली पर लिखा हुआ है। इससे बड़ा खजाना मेरे लिए और क्या हो सकता है? स्वर्ग में मेरा घर निश्चित है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को ठट्टों में, अगर कोई वचन आपके जीवन में आता है, अगर परमेश्वर का कोई अटल वचन आपके जीवन में है, उस पर कायम रखिए, उस पर कायम रहिए, वो वचन आपके जीवन से ना जाए। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, परमेश्वर ने क्यों आपको शुद्ध किया है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, उस वचन के द्वारा अपने जीवन को जीना सीखिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी आज्ञा आती है इस वचन में कि जैसा बोगे वैसा करोगे। हम एक साथ बोलेंगे, जैसा बोगे जैसा बोगे वैसा ही कैटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी आपने याकूब की कहानी सुनी, याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया। प्रेज द लॉर्ड। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। हालेलुया। याकूब ने अपने पिता से झूठ बोला कि मैं ऐसा हूं, मैं तेरा बड़ा बेटा हूं, मुझे सारी आशीषें दे दे। प्रेज द लॉर्ड। और पिता ने, इसाक ने उसको झूठ समझकर, उसको बड़ा बेटा समझकर, एहसास समझकर सारी आशीषें दे दी। हालेलुया। इसाक ने क्या किया, इसाक ने याकूब को भेजा शादी के लिए। देखिए, आप ध्यान से समझिए,
परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी था। जब इब्राहिम के सामने प्रश्न आया कि वो इसहाक की शादी करे, तब उसने अपने एलीजर, अपने दास को कहा कि तू मेसोपोटामिया जा, मेरे घर में जा और वहां पर इसहाक के लिए दुल्हन तलाश कर और वहां से दुल्हन लेकर आ। कनानियों की बेटी मुझे नहीं चाहिए। एलीजर ने कहा कि प्रभु मैं तो जाऊंगा लेने के लिए, अगर वो लड़की नहीं आई तो क्या मैं इसहाक को वहां लेकर जाऊं? पर इब्राहिम ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे बेटे को तो उस नगर में लेकर मत जाना जहां पर मूर्तियां हैं। प्रेज द लॉर्ड, मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा, चाहे शादी हो ना हो मेरा बेटा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रॉमिसिंग लैंड दी है। प्रेज द लॉर्ड, इब्राहिम ने परमेश्वर का मान किया और इसहाक को नहीं बेचा। और एलीजर गया और वहां से लाबान की जो भतीजी थी रिबका, उसको शादी के लिए लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर जब याकूब शादी के काबिल हुआ, इसहाक भूल गया कि वो भूमि जिसमें परमेश्वर, जिसमें मेरे पिता ने मुझे नहीं भेजा था, मैं अपने बेटे को भेज रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो, आप अगर याद रखेंगे कि परमेश्वर ने क्या कहा है, मुझे कैसे जीवन को जीना है, तो परमेश्वर आपके साथ चलता रहेगा। जहां आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर दूर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसहाक ने याकूब को भेजा अपने अपने रिश्तेदार लाबान के पास, अपने साले लाबान के पास भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वहां पर याकूब ने एक लड़की को पसंद किया, एक फिल्मी तरीके से राहेल नाम की एक लड़की जो आई वहां पर, उसको प्रसन्न किया। प्रेज द लॉर्ड। और लाबान के पास गया, लाबान ने उसको अपने गले से लगाया क्योंकि वो याकूब था। प्रेज द लॉर्ड, इसहाक का बेटा था, उसकी बेटी रिबका का बेटा था, तो उसने उसके प्यार किया। प्रेज द लॉर्ड। इसहाक ने किसके लिए भेजा था उसे? शादी के लिए। प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने राहेल को पसंद किया, लेकिन उसकी शादी किससे हुई? लिया से। क्यों? क्योंकि उसने धोखा दिया था, जैसा बोगे वैसा काटोगे। उसने अपने पिता को धोखा दिया था, उसने अपने पिता के सामने छोटा बनकर बड़ा बन गया था। हालेलुया, यहां पर राहेल छोटी थी और धोखे से लिया जो बड़ी थी उसकी पत्नी बन गई। प्रेज द लॉर्ड। क्या करने भेजा था इसहाक ने याकूब को? शादी करने के लिए। परमेश्वर की योजना नहीं थी कि लाबान के पास याकूब रहे, क्योंकि वहां पर मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन याकूब किसके लिए रुका? राहेल के लिए, राहेल से प्यार करने के लिए। 14 साल तक रुका, और आने से पहले 6 साल और, यानी कि 20 साल वो वहां पर रुका। परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो 20 साल रुके। परमेश्वर नहीं चाहता था कि याकूब की दो बीवियां हो। दो बीवियों के पक्ष में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि आप दो बीवी कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने धोखा दिया, धोखा पाया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मिस्र के राजा ने, अगर आपको याद होगा निर्गमन की पुस्तक, मिस्र के राजा ने इब्रानियों के पहलौठों को मारने का आदेश दिया था, याद है, जब मूसा होने वाला था, निर्गमन 1 और 2 में इब्रानियों के पहलौठों को मारने का आदेश दिया था, और उसके सैनिकों ने इब्रानियों के पहलौठों को मार दिया था। जो पहला बच्चा पैदा होता था उसको मार दिया जाता था, क्योंकि उसे डर था कि वो बच्चा शासक ना बन जाए और मेरी गद्दी छीन ना ले। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मूसा वहां जन्मा, परमेश्वर ने मूसा को बचाया, ये कहानी आप सब लोग जानते हैं। हालेलुया। तो फिरौन ने इब्रानियों के पैलोठों को मारने के लिए अपने सैनिक को भेजा, लेकिन अगर आप देखेंगे निर्गमन में देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि फिरौन का पहलौठा स्वर्गदूत के हाथों मारा गया। फिरौन का पहलौठा, जिसने इब्रानियों के पहलौठों को मारा था, उसी का अपना बड़ा बेटा परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा मारा गया। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा तुम बोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद ने एक भयानक पाप किया था। दाऊद राजा था, बैतशेबा नाम की एक अपनी दासी से उसने प्यार किया और व्यभिचार किया उसने, और यहां तक उसने पाप किया कि उसने उसके पति को भी मरवा दिया, उरिया को।
मरवा दिया उसने। वक्त आया, वक्त बढ़ा। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि दाऊद की बेटी का भी बलात्कार हुआ और उसका बेटा मारा गया। प्रेज द लॉर्ड। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यहां तक कि बाइबल बताती है पौलुस के बारे में, जब स्तिफनुस के ऊपर पत्थरवाह हुआ, स्तिफनुस को मारने के लिए सारे यहूदी इकट्ठे हो गए और उन्होंने पत्थर मार के उसको खत्म करने के लिए योजना बनाई। उस योजना में पौलुस शामिल था। उस समय वो शाऊल था, पौलुस शामिल था। लेकिन जब वो शाऊल पौलुस बना और वो लुस्त्रा नगर में आया प्रचार करने के लिए, वहां के लुस्त्रा नगर के लोगों ने उस नगर के बाहर ले जाकर पौलुस पर पत्थरवाह किया और उसको मरा हुआ छोड़ गए वहां से। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे आप। बाइबल बताती है हम कैसा बोते हैं। बोने से पहले हम सोचें, काम करने से पहले हम सोचें। हम जो काम कर रहे हैं उसका अंत क्या होगा। हो सकता है आपका, आपकी ईर्ष्या, हो सकता है आपका रिवेंज इस समय तो आपको खुश दे, लेकिन कब वही आपका, आपका काम, आपकी ईर्ष्या आपको सजा दिलवाएगी। हालेलुया। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि अपने आप को दीन करो, अपने आप को निम्न करो, ताकि तुम, बदला लेने वाला कौन है? परमेश्वर ने कहा बदला लेने वाला मैं हूं। इसलिए उसने कहा दुश्मनों को माफ करो, जो कोई तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारे दुश्मन है, जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं, परमेश्वर उन्हें आपके जीवन में, परमेश्वर उनके जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन कब? जब आप उसे अपना दोस्त कहेंगे, आप जब माफ करेंगे। हमारे अंदर क्षमा की भावना नहीं है, हम क्षमा नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6:14 पढ़िए, मत्ती 6:14, मत्ती 6:14-15। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं यहां पर? हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब जाना चाहते हैं स्वर्ग? हेलो, सब जानना चाहते हैं स्वर्ग? प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए वचन क्या कहता है। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने सब कुछ पा लिया, वचन पे चलते हैं। और अगर आज तक, अभी तक आपने किसी अपने भाई को, रिश्तेदार को माफ नहीं किया है, मैं आपको बता दूं आपका स्वर्ग में जगह नहीं है। प्रभु आपको माफ नहीं करेगा। क्या लिखा हुआ है? अगर धरती पर आप किसी के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में आपके अपराध को क्षमा नहीं करेगा। इसका मतलब अगर परमेश्वर स्वर्ग में आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो आप क्या स्वर्ग जा सकते हैं? एक आज्ञा। इसलिए जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर अभी भी हमारे सामने कहीं कोई है जो मुझे चुभता है, जो मुझे, मेरे अंदर ईर्ष्या पैदा करता है, जो मुझे गुस्सा दिलाता है, माफ करो, माफ करो उसे। क्योंकि मेरे भाई, मेरी भावना से ज्यादा कीमत उस स्वर की है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो स्वर्ग जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दे दिया है, हम उसकी कीमत को समझें। जो परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन हमें मुफ्त में दिया है, इसलिए कहीं भी छोटी सी भावना भी हमारे मन में कहीं ऐसी है और हम उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इसी समय उसे क्षमा करें। प्रभु के आने से पहले अपने अंदर से वो द्वेष निकाल दें, मैं निकाल दें, अहम निकाल दें। जब तक आपका अहम नहीं निकलेगा मेरे भाई,
आप उस क्षमा की भावना को अपने अंदर से नहीं निकाल पाएंगे। आपको अपने विचारों को, अपने व्यवहार को बदलना ही पड़ेगा। बाइबल कहती है आपको अगुओं का अधीन होना है, पत्नी को पति का अधीन होना है। आप पति को डिक्टेटर, अगर डिक्टेट करते हैं, आई एम सॉरी, स्वर्ग में आपकी जगह नहीं है, नहीं है। पति आपका सिर है, जैसे यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, इसी तरीके से पति भी आपका सिर है। पत्नियों को पति के अधीन रहना है, लेकिन पति को भी गुलाम नहीं समझना है अपनी पत्नी को। हालेलुया, पत्नी गुलाम नहीं है, पत्नी भी परमेश्वर की ही चुनी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर जीवन में आप आशीष चाहना चाहते हैं, जिस भाव से आप बोएंगे उसी भाव से आप काटेंगे। वो कंगाल विधवा जो मंदिर में दान दे रही थी, उसके पास दो तांबे के सिक्के थे। यीशु मसीह ने कहा था इसने सबसे ज्यादा बोया है, क्योंकि इसके पास सिर्फ दो तांबे के ही सिक्के थे। जो दूसरे बो रहे थे वो अपने बहुत में से थोड़ा बो रहे थे, और इसके पास सिर्फ दो ही सिक्के थे, इसलिए इसने सबसे ज्यादा बोया है। आप किस भाव से, किस भावना से आप बोते हैं, किस भावना से आप दशांश देते हैं, किस भावना से आप कलीसिया आते हैं, किस भावना से आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं, आप अपने समय को कैसे बोते हैं, आप अपने मन को कैसे बोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बहन, अगर आप का समर्पण 100% नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि यीशु मसीह ने 100% अपना जीवन आपके लिए दिया है, 100% उसने अपना सब कुछ दे दिया आपको, 100%। Praise the Lord, 100% दिया उसने। इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों 4:15 कि हमारा ऐसा यीशु मसीह कौन है, हमारा ऐसा महायाजक है जो हमें दुखों, हमारे दुखों में हमारे साथ है, जो हमारे दुखों को समझता है। Praise the Lord। इब्रानियों 4:15 पढ़िए बेटा। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। Praise the Lord। हमारा राजा, हमारा प्रभु, हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ ना दे। वो आपकी निर्बलता में आपका साथ देना चाहता है, वो आपकी निर्बलता में आपके साथ है। Yes, Lord। और यीशु मसीह ने किया, जब वो मनुष्य के रूप में थे, वो उन्होंने कष्ट सहे, दुख सहे, मुसीबतें सही, आजमाइशें सही, उसके चेले छोड़कर चले गए। योहन्ना 6 में जब उसने कहा कि जो कोई मेरा मांस खाएगा वो जीवित रहेगा, जो कोई मेरा लहू पिएगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। 70 के 70 जो चेले थे छोड़कर चले गए। अरे कैसी शिक्षा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों से पूछा, आपको भी जाना है, आप जा सकते हैं। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा नहीं बदली, क्योंकि वो सच्ची शिक्षा थी। यीशु मसीह ने जो बोला है उसमें कभी भी रिग्रेट नहीं हुए कि आज यार मैंने क्या बोल दिया यार, अरे आई एम सॉरी पॉलुस, आई एम सॉरी पत्रस, ये मैंने गलत बोल दिया यार, भावना में बह गया। नहीं, उसने, उसके मुंह से जो निकला है वो सत्य था, वो वचन बन गया। हालेलुया। हम जब कलीसिया चला रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा चला रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें किसकी चिंता करनी चाहिए कि प्रभु का वचन इस कलीसिया में है कि नहीं है। प्रभु का सत्य इस कलीसिया में है कि नहीं है।
मेरे अंदर एक बोझ है कि मेरा हर भाई बहन जो मेरे कलीसिया में मेरा परिवार का हिस्सा है वो प्रभु को और जाने ताकि कभी भटके नहीं वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं अगर आपको चाहिए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आप बताइए आपको प्रार्थना की जरूरत है, हम आपको वचन समझाएंगे, आप बताइए हमें वचन की समझने की जरूरत है। लेकिन आप को होना चाहिए प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे जानना है। इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन मेरे लिए अटल है, वो बदल नहीं सकते। इसलिए अपने आप को पहचानो, खुद से धोखा मत खाओ। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, हम खुद हैं, हम खुद हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन। क्योंकि हमारा लोभ, हमारा मोह, हमारी इच्छाएं शरीर की हमें पाप में डाल रही हैं और हम जा रहे हैं। हम जानने के बाद भी कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस कीमत को समझिए मेरे भाई बहन, अभी भी वक्त है क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया।